हर वर्ष 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ क्रांति दिवस के रूप में मनाई जाती है। इसी क्रम में शुक्रवार को शहर के पुलिस लाइन स्थित शहीद स्मारक पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराधिकारी संगठन और चरण पादुका सेवा समिति द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शहीद हुए स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक अगम जैन और डॉक्टर मनोज चौधरी रहे, जिन्होंने शहीदों को याद करते हुए उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। कार्यक्रम के संयोजक शंकरलाल सोनी ने बताया कि अतिथियों ने उपस्थित स्कूली छात्र छात्राओं को क्रांति दिवस की विस्तृत जानकारी दी और देश की आजादी के लिए स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा किए गए प्रयासों से अवगत कराया। वहीं नौगांव के वरिष्ठ समाजसेवी संतोष गंगेले ने भी सारगर्भित उद्बोधन दिया। पुष्पांजलि कार्यक्रम के बाद सरकार द्वारा चलाए जा रहे एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पौधारोपण भी किया गया। पेड़ माँ के नाम के तहत यहाँ पर वृक्षारोपण भी हुआ है और भी सभी लोग यहाँ पर जुड़े हैं, बच्चे जुड़े हैं, स्काउट गाइड जुड़े हैं, महर्षि विद्या मंदिर के बच्चे जुड़े हैं। इसी प्रकार से कार्यक्रमों की आवश्यकता है ताकि हमारे नई पीढ़ी के बच्चे जागरूक बने रहें और हमारे देश के समृद्ध इतिहास के बारे में जानकारी।